हेलो व्यूअर्स यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है केट साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर ऑफ अ 470 किलोमीटर जर्नी एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर लेस दैन दैट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इफ द टाइम टेकिन फॉर टू ट्रैवल ईच पार्ट ऑफ द जर्नी इज़ द सेम फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी मीन्स के हमें इसमें ये क्या बताया गया है कि केट ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो कितना है फोर सेवेंटी किलोमीटर है और इसका जो ये फ़ोर सेवेंटी किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो दो पार्ट में मुशतमिल है पहले पार्ट में उसने थ्री फिफ्टी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है एट अ सर्टन स्पीड जो कि हमें बताई नहीं है वो अन है और सेकेंड पार्ट की सेकेंड पार्ट का जो में जो रिमेनिंग डिस्टेंस है जो कि uh, 350 किलोमीटर टोटल हमारा 470 किलोमीटर है उसमें से अगर हम 350 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस आ जाएगा तो वो जो सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस है उसने वो फर्स्ट पार्ट की जो एवरेज स्पीड है उससे फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड पर वो ट्रैवल किया है तो आगे वो बता रहे हैं कि अगर दोनों पार्ट का जो टाइम है अगर वो इक्वल है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जो ट्रेवल ट्रेवलिंग टाइम है अगर वो सेम है तो हमें मालूम क्या करना है एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी सेकंड पार्ट जो है जर्नी का उसका हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन सो लेट्स मूव फॉर्वर्ड टू आवर सोलूशन इसमें हम जो अननोन uh, वेरिएबल uh, हम सपोज uh, करेंगे एक्स वो हम फर्स्ट पार्ट की जो एवरेज स्पीड है उसको हम एक्स सपोज़ करेंगे क्योंकि वो एज अ रेफरेंस यूज़ सेकेंड पार्ट के लिए कि सेकेंड पार्ट की जो एवरेज स्पीड है वो फर्स्ट पार्ट की एवरेज स्पीड से 15 किलोमीटर लेस है तो एज एन एज अ रेफरेंस कौन यूज़ हो रहा कौन सा एवरेज स्पीड यूज़ हो रही है फ़र्स्ट पार्ट की तो हम उसको सपोज करेंगे सपोज़ The average speed of first part is X. So, therefore, the average speed of सेकेंड पार्ट विल भी क्या हो जाएगी इस सेकेंड पार्ट की जो स्पीड है वो फर्स्ट पार्ट से 15 किलोमीटर लेस है तो फर्स्ट पार्ट की स्पीड क्या है एक्स है उसमें से अगर हम 15 लेस कर दें तो ये स्पीड आ जाएगी कौन से पार्ट की सेकेंड पार्ट की और दोनों कितनी है? स्पीड को हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी एक्स माइनस फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर ये हमें स्पीड दी गई अच्छा टोटल डिस्टेंस इसने कितने केट ने कितना ट्रैवल किया टो, टोटल डिस्टेंस केट ट्रेवल्ड वो कितना है फोर सेवेंटी किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इसने किया और फर्स्ट पार्ट में उसने कितना किया थ्री फिफ्टी किलोमीटर तो हम क्या लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट पार्ट वो कितना है इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी किलोमीटर्स तो अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वह हम टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस में से अगर हम फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस अगर हम सब ट्रैक कर दें तो हमारे सेकेंड पार्ट का उसका डिस्टेंस आ जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड पार्ट तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा फोर सेवेंटी उसमें से हम फर्स्ट पार्ट का जो हमारा थ्री फिफ्टी है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहाँ पास कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी किलोमीटर्स तो ये तो हमारा सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस आ गया जो कि उसने केट ने ट्रैवल किया है अच्छा अब हमें स्पीड uh, uh, हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं इसमें एक नई चीज हमें जो बताई गई है वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है बस आपको मैं स्पीड बता देता हूं स्पीड हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं स्पीड को अगर मैं ऐसे डिनोट करूं तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है उसको हम टाइम से जिसको हमने टी से डिनोट किया है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वहां पास एवरेज स्पीड आ जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर आ, कोई अगर थाउजेंड किलोमीटर ट्रैवल करता है आ, फाइव आवर्स के अंदर तो थाउजेंड डिवाइडेड बाय यानी कि अगर मैं किसने कर दूंगा थाउजेंड किलोमीटर्स इन फाइव आवर्स तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास टू हंड्रेड यानी कि पर आवर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड पार्ट में टू हंड्रेड फाइव थाउजेंड तो यानी कि एवरेज स्पीड हम इस फाइंड आउट करते हैं तो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था मेन जो हमारे काम की चीज़ हमें बताई जिससे हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे वो है इफ़ द टाइम टेकन फॉर टू ट्रैवल ईच पार्ट ऑफ द जर्नी इज़ द सेम यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में जितना भी डिस्टेंस तय किया गया अगर उन दोनों का टाइम सेम है तो हम टाइम को किस तरह निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कि हम आ, टाइम को इस तरफ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे यानी तो उसके लिए हम सिंपल सी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं जिस तरह यानी कि हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से ताकि यहाँ से टाइम एलिमिनेट हो जाए तो हम क्या कर देंगे टी मल्टीप्लाई बाय स्पीड और डी अपॉन टी तो ऑलरेडी है इसको भी हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा टाइम कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पर टी एस इज इक्वल टू डी अब यहाँ से हमें स्पीड ख़त्म करनी है तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो हम यहाँ से अगर स्पीड से डिवाइड कर दें लेफ्ट हैंड साइड को तो हम राइट हैंड साइड को भी कर देंगे तो जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो एस एलिमिनेट हो जाएगा तो दोनों साइडों को हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे दिस इम्प्लाईज दैट टी एस डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू डी अपॉन एस तो ये एस और ये एस कैंसिल तो टाइम हमारे पास किस निकल आया दिस इम्प्लाईज दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड तो ये हमारे पास फार्मूला है टाइम मालूम करने के लिए इसी इक्वेशन को इससे हमने टाइम अपना मालूम कर लिया कि टाइम हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अब हमारे पास दोनों पार्ट का डिस्टेंस भी मौजूद है फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस 350 किलोमीटर है और सेकंड पार्ट का हमारे पास 120 किलोमीटर है और स्पीड भी दोनों की हमने हमने इसकी फर्स्ट पार्ट की सपोज़ की थी एक्स और सेकंड पार्ट की क्या थी फिफ्टीन किलोमीटर कम थी फर्स्ट पार्ट से तो वो हमारे पास ये है तो इसके अंदर हम दोनों को दोनों पार्ट का हम टाइम निकाल लेंगे हम क्यों निकाल लें टाइम इसलिए टाइम दोनों का बराबर है तो हम इक्वेशन इसी की वैल्यू से बनाएंगे तो यहां पर मैं जो टाइम जो फर्स्ट पार्ट का है उसको मैं टी वन से डिनोट करूंगा टी वन फॉर टाइम फॉर फर्स्ट पार्ट तो ये क्या हो जाएगा डी 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 अपॉन एस कर देता हूं उसको मैं विच इज इक्वल टू अब पार्ट वन का डिस्टेंस कितना था हमारे पास थ्री फिफ्टी और उसकी एवरेज स्पीड हमने कितनी दी फर्स्ट पार्ट की एक्स तो ये तो टाइम आ गया किसका फर्स्ट पार्ट का इसी तरह हम सेकेंड पार्ट को हम टी टू कह देंगे विच इज़ इक्वल टू डी अपॉन एस तो सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस हमारे पास कितना था वन ट्वेंटी किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय और सेकेंड पार्ट की जो स्पीड क्या आ रही है हमारे पास एक्स माइनस फिफ्टीन x माइनस फिफ्टीन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दोनों टाइम सेम है यानी फर्स्ट पार्ट का जो डिस्टेंस था वो सेम टाइम में ट्रैवल किया गया जितना डिस्टेंस सेकेंड पार्ट का था उसका भी टाइम सेम लगा यानी कि दोनों पार्ट के जो डिस्टेंस को ट्रैवल किया है केट ने उसमें सेम टाइम में किया है तो इट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूँ कि पार्ट वन का टाइम यानी कि जो थ्री फिफ्टी अपॉन एक्स है वो इक्वल है सेकेंड पार्ट के टाइम के जो कि हमारे पास वन ट्वेंटी अपॉन एक्स माइनस फिफ्टीन है तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू दिस यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ थ्री फिफ्टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फिफ्टीन तो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है इसको अब हम सॉल्व करेंगे इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालेगी अच्छा अभी हमारे पास जगह खत्म हो गई है तो मैं इसको इरेज करके कंटिन्यू करता हूँ अच्छा अब हमारी ये इक्वेशन बन गई थी ये दोनों पार्ट का टाइम हमने अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दिस इंप्लाइज दैट अब हमें जो अननोन वेरिएबल है डेफिनेटली हमें लेफ्ट साइड पर रखना होता है तो यहां पर तो ऑलरेडी एक्स है ही इधर तो एक्स माइनस फिफ्टीन को हम कहाँ लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाने के लिए हमें दोनों साइड पर एक्स माइनस फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ से एक्स माइनस फिफ्टीन खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस फिफ्टीन से हमने मल्टीप्लाई किया और ऑलरेडी हमारे पास क्या है थ्री फिफ्टी अपॉन एक्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को किया अब हम राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस फिफ्टीन से डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी अपॉन एक्स माइनस फिफ्टीन तो अब ये एक्स माइनस फिफ्टीन और ये एक्स माइनस फिफ्टीन यहां से कैंसिल हो जाएगा <coughs> तो अब यहां पर क्या बचेगा हमारे पास अब हम थ्री फिफ्टी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री फिफ्टी इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा थ्री फिफ्टी एक्स और माइनस थ्री फिफ्टी को अगर हम फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे थ्री फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन तो फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो ये थ्री फिफ्टी को पहले हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया थ्री फिफ्टी और माइनस हमारे पास क्या गया? आ गया फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आ गया अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी अच्छा अब हम यहाँ से हमें डिनोमिनेटर से एक्स को एलिमिनेट करना है तो हम दोनों साइड को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस डिसम्प्लाइज दैट एक्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फिफ्टी एक्स माइनस फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डिवाइडेड बाय एक्स अब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हम राइट हैंड साइड पे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास क्या बचेगा दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बचा थ्री फिफ्टी एक्स माइनस फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी विच इज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी एक्स अब इस x को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी को हम राइट right साइड पे कर देंगे तो इसके लिए हमें दोनों के एडिटिव इनवर्स दोनों साइड पे ऐड कर देंगे तो 120x का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो नेगेटिव वन होता है तो हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे ऐड करेंगे और फाइव माइनस फाइव टू था फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो क्या होता है प्लस फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वो दोनों साइड पर हम ऐड कर देंगे ताकि यहाँ से फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी इलिमिनेट हो जाए और यहाँ से वन ट्वेंटी एक्स तो अब हम क्या करेंगे थ्री फिफ्टी एक्स तो पहले से है अब यहाँ से हमें ये भी पहले से है माइनस फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी और हमें यहां से वन ट्वेंटी एक्स खत्म करना है तो हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे अब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब हमने क्या दो चीजें ऐड की हैं, एक ये और ये लेफ्ट हैंड साइड पे की हमने तो यही चीज हम राइट हैंड साइड पे भी करेंगे तो ऑलरेडी पहले से क्या है वन ट्वेंटी तो है वन ट्वेंटी एक्स तो अब यही चीज हम प्लस फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी और माइनस वन ट्वेंटी एक्स ये दोनों साइड पे हम ऐड कर देंगे अब इससे फायदा क्या होगा कि प्लस का फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ये कैंसिल हो गया और यहाँ माइनस का फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड फिफ्टी और प्लस का वन ट्वेंटी एक्स और माइनस का वन ट्वेंटी एक्स ये कैंसिल हो गया अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची है फाइनली अच्छा ये सेम वेरिएबल्स हैं ये और ये थ्री फिफ्टी एक्स में से वन ट्वेंटी एक्स अगर माइनस करते है तो हैं तो हमारे पास बचते हैं टू हंड्रेड एंड थर्टी एक्स तो लेफ्ट क्या बचा हमारे पास टू हंड्रेड एंड थर्टी एक्स और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा है फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी अब हम क्या करेंगे अब हमें क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें 230 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स है दोनों साइडों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ से 230 एलिमिनेट इलिमिनेट हो जाए तो दिस इंप्लाइज दैट तो 230 का जो मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होता है वो होता है वन अपॉन्ट टू थर्टी तो वन अपॉन्ट टू थर्टी से हम दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे टू थर्टी एक्स तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन अपॉन्ट टू थर्टी से तो ये क्या हो जाएगा फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो अब इससे क्या होगा ये टू थर्टी और ये टू थर्टी कैंसिल हो गया तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर अब हमारे पास क्या बचेगा इसको मैं अलग कॉलम पे बना लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का मिक्सअप ना हो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची है लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वन जार एक्स एक्स बचा हमारे पास इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड पे फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वनजार फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू थर्टी तो ये ज़ीरो से और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी थ्री तो ये तो स्पीड आ गई कौन सी हमारे पास फर्स्ट पार्ट की जो कि हमने एक्स सपोज की हुई थी तो इसको हम क्या कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट की किलोमीटर पर आवर मगर हमें फाइंड आउट क्या करनी है एवरेज स्पीड फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी जो कि 15 लेस थी यानी कि अगर हम 525 में से 525 ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो हमारे पास सेकेंड पार्ट की स्पीड आ जाएगी तो इसको हम किसना करेंगे एवरेज स्पीड ऑफ सेकेंड पार्ट वो क्या आती है हमारे पास x माइनस फिफ्टीन तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 525 हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इसका तो ये वन टाइम डिवाइड करेगा ट्वेंट डिनोमिनेटर ये वाला इस एलसीएम को तो फाइव वन जो वन आएगा क्वेश्चन तो हम उससे नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव ट्वेंटी फाइव बंदा फाइव ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और यहाँ पे वन है नीचे तो ट्वेंटी थ्री टाइम्स आएगा तो ट्वेंटी थ्री को अगर हम फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन थ्री फोर्टी फाइव हमारे पास आता है इसका आंसर तो अब हम 525 में से 345 को अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 525 में से हम 345 माइनस कर दें तो 5 में से 5 माइनस करें तो जीरो 12 में से फोर गया एट और यहाँ से रह गया फोर फोर में से 3 गया वन तो ये हमारे पास क्या आ गया 180 एट्टी वन अपॉन ट्वेंटी और अगर हम 180 को डिवाइड करें 23 से 23 थ्री सेवन हजार सेवन थ्री हजार ट्वेंटी वन कैरी टू सेवन टू हजार फोर्टीन और टू सिक्सटीन वन सिक्सटी वन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा टेन में से बन गया नाइन और यहाँ पर रह गया सेवन 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 में से सिक्स गया वन तो अब ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास सेवन होल नंबर नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी थ्री किलोमीटर पर आवर जो कि हमें रिक्वायर्ड थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी <coughs> इसको मैं बॉक्स में भी कर देता हूँ ताकि आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल अकाउन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा करूंग तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच